हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड न्यूज नॉस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? यूट्यूब में आप लोग अच्छे होंगे और मैं तो आ गई हूँ घर। अंधेरा है, लाइट का भी थोड़ा सा इशू है क्योंकि ये जो है इन्वर्टर मेरा खराब हो चुका है ना, तो इसी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं घर आ गई हूँ आनंदपुर लखनऊ से, लेके आई रात में करीब 8 बज गया, 8:30 बज गया। घर पहुँचते पहुँचते मैंने एक कार नहीं किया, रास्ते का कुछ भी रिकॉर्ड किया, आप लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखा होगा जाके देख लेना। तो अभी फिर मुझे लखनऊ जाना है, लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी 3 हफ्ते बाद जाना है आनंदपुर लेके। देखो अभी मैं नहा के आई हूँ और बहुत धीरे धीरे फैन चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है और वहाँ पे तो एसी था, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती थी मायके में, बट बहुत गर्मी है। अभी मैं चल रही हूँ उसको सोफे पे लगाने लिए, सोफा कवर है, देखती हूँ कैसे लगता है। मैंने मंगा दिया था बट मैं थी नहीं यहाँ पे, फिर लग नहीं पाया। मुझे लग रहा है मुझे दूसरा मंगाना पड़ेगा, मैंने कुछ गलत कर दिया इसको मंगा के। पता नहीं ऐसे रहेगा, इसका और भी सेट है उसमें, पता नहीं है इसलिए है। मैं उल्टा लगा रही हूँ क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। देखती हूँ दूसरा निकाल के। तो गाइस ये एक 5 सीटर सोफा का है कवर, बट अभी देखते हैं इसमें कैसे क्या है। इतनी गर्मी हो रही है, आप लोगों को क्या गर्मी हो रही है नहीं बताना कमेंट में। ये तो तीनों सीटों का है, अच्छा ये मतलब इसका है ऐसे। कुछ इस तरह से है ये, और ये है जो गाइस ये बाहर है। और मैं तो एक ही सीट रखा है रूम में, बाकी और सीट जो है बाहर है बरामदे में, तो उनका है ये। सोफे का है उसको वहां पे लगा दूंगी, मैंने एक सीट यहाँ पे रखा और अपने लिए वीडियो शूट करने के लिए, मेंबरशिप के लिए और भी वैसे। तो इस प्रॉब्लम में फंस गई ना, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ सही से ढंग से, क्योंकि मन ही नहीं करता, कितना भी मैं कोशिश करूँ लेकिन बिल्कुल मन नहीं करता। अभी मैं नहा के आई हूँ, देखो कैसे हो रही है मेरी हालत। ओह माय गॉड, मोबाइल मिल गया, स्टैंड काम नहीं कर रहा यार।
ये मेरा स्टैंड मेरे ख्याल से थोड़ा सा लूज हो गया, इसीलिए मोबाइल गिर गया पटाख से। अभी मैं नहा के आई हूँ तो उसी पे बैठी बैठ गई हूँ। आर्यन को खाना दे रही हूँ, खा रहा हूँ। सुबह से एक्सरसाइज कराया उसका, फिर नहाया धोया। अभी खाना नहीं खाई हूँ, चलिए दिखाऊंगी क्योंकि डॉक्टर ने बताया है उसको फिजियोथेरेपी करने के लिए। मैं फिजियोथेरेपी 1.5 महीने से करा रही थी बट नहीं, डॉक्टर बोले लखनऊ में कि अभी उसको 3 हफ्ते फिजियोथेरेपी कराइए, इसके बाद जो है कुछ हो पाएगा, हो सकता है उसका प्लास्टिक सर्जरी हो। क्योंकि सुल्तानपुर में दिखाया डॉक्टर को तो बोले हैं कि ऑपरेशन होगा तभी इसका घुटना जो जाम है मुड़ पाएगा, नहीं तो फिर नहीं मुड़ पाएगा। सबसे बड़ा टेंशन यही है कि कैसे मुड़ेगा, क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं है। फिलहाल आप लोग प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा ऐसे ही, क्या करूँ। अगर कोई मैंने आपसे लोगों से कहा था कोई अगर सजेशन हो तो बताइएगा, किसी डॉक्टर की सलाह लेके बताइएगा, नहीं कोई नंबर होगा तो भेजिएगा आप लोग। और डॉक्टर ने बोला है कम से कम जो इसका एस्टिमेट है 3 लाख रुपए इसका लगेगा ऑपरेशन में। ऐसे प्रॉब्लम है तो वैसे भी इतना पहले से ही इतना पैसा लग चुका, इतना तो ऑपरेशन में लगना है। और मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं की क्योंकि अब कई लोग अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, तो मैं सोच रही यही कि 3-4 डॉक्टर को मैं दिखा लूँ, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ बेस्ट लगे वहाँ मैं ऑपरेशन करवाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग उसे सपोर्ट क्या बोलूँ मैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग हिसाब पर आए सपोर्ट देना, ठीक है। अभी मैं कमी कर लूँ तो मिलती हूँ आप लोगों से। तो कैसी लग रही है ये कवर आप लोग बताना, अगर हमें अच्छी नहीं लग रही है। मैंने इसको मंगा लिया बट ये अच्छी नहीं लगी, और मैं पहले से मंगा रही थी इसको लेकिन थी नहीं, मैं आर्यन को लेकर एडमिट थी हॉस्पिटल में। आवाज मेरी जा रही है, मैं बहुत मिले बोल रही हूँ ना, इतना फैन चल रहा है कोई पसीना नहीं सूख रहा। बहुत सारे कपड़े धुल के डाले हैं, अभी मैंने फोल्ड नहीं किया है क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं आई थी, 1-1.5 महीने बाद घर पे, नहीं तो वो बीच बीच में आ जाती थी। क्योंकि जब से इसका इस फिजियोथेरेपी होने लगा तब से बाल भी घस गया है। और मेरा चैनल भी डीमोनेटाइज है, नहीं तो 2-4 रुपये बनता भी इसमें। मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, पता नहीं किस रीजन से, क्या करो। और देखो ऐसा हुआ, जैसे
मेरा एक पेमेंट आया, इसके बाद चल दुई मोटाई हो। 3 महीने के लिए 1 लाख हो गया। और एक बार जिसको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा, मेरा दूसरा चैनल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आवानिया शॉर्ट्स करके चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं साइड ट्रैप का वीडियो डालती हूँ, तो साइड ट्रैपिंग वीडियो लिया, तो मैंने फोन कर लिया। तो चलो फिर अभी देखो, मैं कितना सामान इधर उधर है, बेड पे है, सबको एक लाइन से करना है, फोल्ड करना है ढेर सारे कपड़ों को भी। तो अभी मैं चल रही हूँ आरएम का, जो अभी थोड़ा सा घाव बचा है मैं उसको धुलूँगी और उस पर मलहम लगाऊंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। ठीक, बाय बाय। हाय गाइस, ऐसे ही प्यारे सपोर्ट देते रहिएगा आप लोग। ठीक है, और दुआ करिएगा कि मेरा बेटा जो है वो चलने लगे। बहुत कठिन समय है मेरा। कहते हैं ना, ना हंसो तो भी नहीं चलता, खाओ ना तो भी नहीं चलता। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितनी भी समस्या हो, लेकिन खाना और हंसना तो पड़ ही जाता है, चाहे कितना भी सोचो। तो चलो फिर इसी पे मिलते हैं आप लोगों से। हाय, बाय बाय।